और हमारा गांव है, हमको रोकोगे? अरे भाई मारपीट किया हमारी महिला अध्यक्ष, कपड़े फाड़ दिए। अंकिता के हत्यारों को सबको मालूम है कौन व्यक्ति है, उस वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्र नहीं चला सके, सरकारी कामकाज यहाँ से नहीं चला, क्यों नहीं 6 महीने के लिए चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री सरकार यहाँ बैठ के सरकारी काम करती है, सबका विरोध करने हम आए थे, लेकिन हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई, 8 जगह कुमाऊं वालों को और 12 जगह गढ़वाल के लोगों को रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगा के विभिन्न विभिन्न जगहों में शांति ढंग से। कांग्रेस ने कहा था कि हम जंगल चट्टी में अपनी सभा करना चाहते हैं, अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन डंडे के दम पे बीजेपी ने हमको रोकने की कोशिश की, उसका परिणाम ये हुआ कि 14 से ज्यादा बैरिकेडिंग को जनता ने, यहाँ की आवाम ने अलग हटाया और कांग्रेस के साथियों को आगे बढ़ने में मदद की। अंकिता के हत्यारों को सबको मालूम है कौन व्यक्ति है, उस वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसको अंकिता ने स्वयं कहा कि उसके लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, अपनी जान दे दी उस लड़की ने, और ये उस वीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं, उसको जेल के सीखी में डालने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों से जनता दुखी है। हम तो केवल जनता जो चाहती है उत्तराखंड की, उसको कर रहे हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी को, प्रदेश कांग्रेस को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो जनता के मुद्दे पर लड़ रही है। और आक्रोश ये है कि आपने, इन्होंने जगह जगह बैरिकेड लगाए हैं, उनको वेल्डिंग करवा करके रखा है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, जनता के लोगों ने उनको तोड़ करके, सारी बाधाओं को पार करके अब हम हराजी सेन की तरफ हैं।